प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। टिप्स एंड ट्रिक्स की श्रृंखला में हम आपके लिए लेकर के आए हैं अलंकारों को याद करने की आसान व सहज तरकीब। बच्चों, भ्रांतिमान अलंकार परिभाषा, जहां संदेह दूर हो जावे भ्रांतिमान अलंकार कहावे, अर्थात जहां काव्य में संदेह मिट जाए वहां पे भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे किंशुक कुसुम समझ कर बैठा शुक की लाल चौंच पर, तोते ने भी चौंच चलाई जामुन का फल उसे समझकर। किंशुक कहते हैं भंवरे को, भंवरा कुसुम फूल समझ करके तोते की लाल चौंच पे बैठा। उसने तोते की चौंच को क्या माना? फूल माना, लाल फूल। और तोते ने भी चौंच चलाई जामुन का फल उसे समझकर। तोते ने क्या समझा कि ये जामुन का काला पका हुआ जो फल उसके ऊपर गिरा है खाने के लिए उसने चौंच अपनी चलाई। वैसे ही दोनों का भ्रम दूर हो गया। भौरे को भी लगा कि ये फूल नहीं है और तोते को भी लगा कि ये जामुन नहीं है। भौरा भी उड़ गया और तोता भी उड़ गया। तो यहाँ पे उनका जो संदेह था वो मिट गया, भ्रांति थी लेकिन वो भ्रांति खत्म हो गई। यहाँ भ्रांतिमान अलंकार बन जाता है। बच्चों, ऐसी ही टिप्स और ट्रिक्स के लिए आप हमारे दक्षांश एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें। धन्यवाद।